पूरा घटनाक्रम उप नजर पकेबा जहाँ कि भरतपुर थाना अधीन जो घटनाटी घटी जहाँ कि 9 जून 2022 घटी अति विभत्स भाव में जड़े स्वामी शैतान पलटि जाता निज पत्नी को छुरी भूसी भूसी हत्या कर हत्याकारी से मन बुझ ना निज पाखे 6 वर्षर छुआ श्री दास जी रही तार तंटी भी काटि अभियुक्त जी रही संजीत दास पत्नी सरस्वती दास को अति निर्मम भाव में हत्या कर पूरा घटना को लेकिन 15 जन साक्ष्य प्रमाण आरंभ करी साइंटिफिकल एविडेंस एक्सपर्ट ओपिनियन को लेकिन पुलिस तदंत आरंभ होता यार भितर ए घटनाटी कोर्टे आसा कोर्टे विचार अवस्था थी आज जो देखा जे अतिरिक्त जिला और दराज टू कोर्टे जो रही थे बंदनाकर कोर्टे आज मामलाटी अभियुक्त को पक्ष रखा कह अभियुक्त वकिल एथेर गोटे मिनिमम पनिशमेंट प्रेयर करते यार बदल में जे रही थे सलिल कुमार प्रधान गोटे अधिक अतिरू अति दंड कौन दिया जाए परिवो बा ए घटना को आजीवन कारादंड देले हुए तो कम हम बरम तांकु मृत्यु दंडादेश दिया जाऊ एथिपाई कहितिले काहेकि ना जो समय रे जो इंजुरी रिपोर्ट को फाइल करा जाइतला सेथिरे गोटे जिनस स्पष्ट होतला इंजुरी रो आकार एवं डिस्क्रिप्शन नंबर ऑफ इंजुरीज जो कथा कुआ जाइतला से कथा कुआ जाइतला ए होउची एमिती एक घटना जहाँ को विचार प्रति आज कहितिले जे ए घटना को बा ए सबु जो रही विचार को आखि आगे रखी केवल गोटे कथा कही जदि यह गोटे पत्नी हंता को जदि फाँसी दंड न दि जाए पृथ्वीर सबु छुआर बापर भरोसा तुटी जाए पारे से कि यू विल बी हैंग टिल द डेथ बोली या विचार को नहीं थे एवं द्वितीय घटना जो प्रथम घटना देखा जे ग्राम स्ट्रेंस घटना रे दारा सिंह को फांसी हेतला जो घटना रे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करतिला जे ग्राम स्ट्रेंस घटना रे बाबरे सौभाग्य जे हेतला एवं पूरा घटना रे उरे साक्ष्य जो ग्रहण कर जाइतला भरोसा टूटी जीवो जदि एई भली घटना रे गोटे दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान बा कठोर दंडादेश न दिया जाए तेबे पृथ्वीर सबु बापांक उपरु पिलांकर भरोसा उठी जीव जेतेबेले घटना बाबदरे समस्ते जानिबे बड़ कथा होउछि सौभाग्य जे ये होउछि द्वितीय फांसी दंडादेश भुवनेश्वर कोर्टरे जो कथा आपण कहउछन्ते प्रथम घटनाटी देखा जो प्रथम फांसी दंड कथा देखा जो थे ग्राम स्ट्रेन्स घटन दारा सिंह को फांसी होता से आम सहित अच्छा सरकार वकिल अच्छा कथा आज्ञा से आपण भी पूरा कोर्टे मौजूद रही थे से ही समय देखाला जे सीबीआई इनक्वारी करते सीबीआई रिपोर्ट देते जितेबाला महेन्द्र पटनायक कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज बा खोर्धा जिला और दराज कोर्टे ए घटना सामना को आसला से समय फांसी दंड दिया हूँ द्वितीय घटना पूरा प्रथम घटना बाबद कहे प्रथम घटना हूँ जो प्रथम ग्राम स्टेन्स पोड़ी केस रे जो दारा सिंह को फांसी होता से बहुत चर्चित अति निर्मम भाव में बहुत चर्चित हत्याकांड थिला जहाँ को सीबीआई इनक्वारी करथिला एवं सबू साक्ष्य प्रमाण ग्रहण कलापर से जो आम माननीय जज थे महेन्द्र कुमार पटनायक से प्रथम थर पर भुवनेश्वर कोर्टे गोटे फांसी अर्डर करते जहाँकि समाज उपर न्यायपालिका उपर जो भरोसा अच्छी सेटा प्रतिफलित होता एवं से ही केस रे आज पर्यंत भी दारा सिंह कस्टडी अच्छा आज पर्यंत मनोहरपुर केउंझर जो घटना घटी 19 जन साक्ष्य प्रमाण हूँ द्वितीय घटना जो थे फांसी दंडादेश दिगला आज्ञा गोटे कथा कहतु जे बहुत विरल घटना देखा मिले और बहुत कम केस को आप अति विरल रू विरल भाव में नापाई कि कोर्ट पाखे आपने प्रेयर करती तो एमती को बहुत सारा हत्याकांड आप देखिथे आम विभिन्न समय रिपोर्टिंग कला बेले देखिथु ये घटना को कहीं विरल रू विरल हिसाब से निया जाऊ आपने प्रेयर करा हूँ विरल एगी जे जो संजीत दास जो तार स्त्री स्त्री को मर्डर करलापर तार निज 6 वर्षर झील परी परी को तंटी काटि जहाँकि 307 भी केस होता एवं अति जघन्य रु जघन्य भाव से हत्या करता जहाँ कि मल्टीपल इंजुरीज 32-33 इंजुरीज थिला तार स्त्री देह जड़े स्वामी ना रे सैतान बापा ना रे पाप यही भाया लोक को जितेबाला फांसी दंडादेश मानवर कोर्ट सुनाऊंटी से ही समय रे समाज उपर कि प्रकार प्रभाव पकाउची एवं जो मानकर गोटे क्रिमिनल इंटेंशन बा क्रिमिनल मेंटालिटी थिवा लोक माने फिजिकल भावलेंस कथा कहतु घर भितर भावलेंस कथा कहतु एम आगे कि प्रकार प्रभाव पक भाव ये जो दंडादेश फांसी दंडादेश या फल जो मैंने क्राइम करने को चिंता भी करुवे से मान बर्तमान डरवा आरंभ करेंगे कहीं हूँ गोटे गोटे उदाहरण
आज जो द्वितीय फाँसी दंडादेश भुवनेश्वर कोर्टे यहाँ हूँ द्वितीय उदाहरण तेणु तो निश्चित भाव में जो देखा ये अभियुक्त जी रही है विरोध में दफा संगीन और सांघातिक दफा लगी 302 जदि देखा 302 हत्याकांड भाई मामला लगी आजीवन और 307 आजीवन और 326 से आजीवन कारादंड मान्यवर कोर्ट शुणाई कहुई से निज निजर अपील करें तो ये जो घटना रही निश्चित भाव में आईनजीवी मान मत हो समाज पर गोटे बड़ प्रभाव पके बर्तमान सुधा कहुच्ची तेज आग को देखार अच्छी ये जो घटनाटी बर्तमान सुधा घटला एटे फाँसी दंडादेश मान्यवर कोर्ट बर्तमान सुधा शुणाई और निश्चित भाव में समाज पर गोटे बड़ प्रभाव पके कह जे जो घर भितर निज पत्नी को निज छुआ मानू हत्या करपे से भली लोक हे तो किसी भी करें और आउ गोटे कथा आपड़ विभिन्न जिते आपत आलोचना करुले आपड़ कहले निज पत्नी को हत्या करापर जे कि अति विभत्स भाव अमानुषिक भाव में जड़े सैतान स्वामी केमिति पत्नी हंता बनी जाऊँगी कौन सी प्रकार पश्चाताप ना आपड़ केते दिन है केस को कंडक्ट करमि कहीपरेंगे निज पत्नी को हत्या करापर निज झी 6 वर्षर झील जे कि दुनिया देखनी ता तंटी काटिकी मारे उद्यम करस काल से हस्पिटाल हस्पिटाल बेड्रे निज जीवन सहित संग्राम करवर्त समय आपुंत से कोर्टे साक्षी दौर जहाँ साक्षी जो बापा को बर्तमान सुधा फाँसी होगा जाऊँगी ये केस्रे आपंज अभियुक्त जी रही संजय दास मनरे पश्चाताप ना आप कौन देखले कोर्टे विचार आरंभ हवा दिन ठार आक्यूज आटीच्यूड तार कंडक्ट एवं आज दंडादेश शुणा पूर्व शुणा पूर्व माननीय अतिरिक्त जिला उदराज वंदना कर मैडम तार चालीचलन विषय जेल रु भरतपुर थाना रु जे प्रोबेशन ऑफिसर ठारु तार कंडक्ट विषय रिपोर्ट मागी थिले एवं तार रिपोर्ट रु जनागला ता मनरे कौन पश्चाताप ना बर से निजुक जस्टिफाए क्लेम करुच्चे मुझे घटनाटा को जहाँ कर ठीक तो गोटे कथा स्वस्तिका बर्तमान सुधा पदा को आसला सौभाग्य प्रतिक्रिया रे आमे सुनि परतुरु जे पश्चाताप नाही किंतु निजे घटाइथिबा एभली जघन्य हत्याकांड को ठीक बोली विचार करुछंती अभियुक्त स्वामी धन्यवाद आपनकर तमाम आलोचना पाई।